नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। एग्जिट पोल अनुमान के आधार पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। भाजपा को 36 से 46 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस के खाते में 40 से 50 सीटें आने का अनुमान है। अन्य और निर्दलीय के हिस्से में 1 से 5 सीटें जा सकती हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 90 है। बहुमत का आंकड़ा अगर हम बात करें तो 46 है। राजस्थान में बीजेपी आगे चल रही है। कुल 199 सीटों पर बीजेपी को 100 से 110 सीटें मिलने का अनुमान है और वहीं कांग्रेस 90 से 110 सीट पर है और 5 से 10 सीटें अन्य को जा रही हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो कांग्रेस सरकार के आने के आसार हैं। कुल 230 सीटों पर कांग्रेस को 121 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। बीजेपी को 105 से 116 सीटें मिलने के आसार हैं और 0 से 6 अन्य को जा रही हैं। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मिजोरम की एग्जिट पोल की बात करें तो उनके मुताबिक MNF को 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 5 से 9 सीटें मिलने के आसार हैं। भाजपा जनाधार तलाशुदी दिख रही है। बीजेपी को 0 से 2 सीटें मिलने के अनुमान है। अन्य के खाते में 15 से 25 सीटें जा सकती हैं। तेलंगाना में मतदान खत्म हो चुका है और इसका एग्जिट पोल भी जारी हो चुका है। कांग्रेस यहां से लीड कर सकती है। जन की बात की अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो 48 से 64 सीटें मिलने की संभावना है। BRS पिछड़ती दिख रही है। इसके सर्वे के मुताबिक मुख्यमंत्री KCR को 40 से 45 सीटें मिल सकती हैं। पहली बार भाजपा दोहरे अंकों से नजर आ रही है। भाजपा की झोली में 7 से 13 सीटें जा सकती हैं। CBI अधिकारी ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में पश्चिम बंगाल के 7 स्थानों पर छापेमारी की गई। बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाले में TMC नेता पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के मुताबिक घोटाला तकरीबन 350 करोड़ रुपए का है। शिक्षक भर्ती घोटाले को साल 2014 में अंजाम दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र के साथ ही देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की परियोजना की शुरुआत की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई है, जिसके बाद उन्हें आराम की सलाह दी गई। बताया जा रहा है कि CM नीतीश कुमार पिछले 2-3 दिनों से बीमार चल रहे हैं। उन्हें वायरल फ्लू हो गया है। भारत के राजस्थान की महिला अंजू जो जुलाई 2023 में अपने फेसबुक मित्र नरसुल्हा से मिलने के लिए पाकिस्तान गई थी, वो अब भारत वापस लौट चुकी है। बाघा बॉर्डर से अंजू भारत लौटी है। अंजू ने कहा कि वो अपने भारतीय पति को तलाक देंगी और कोशिश करेंगी अपने बच्चों को अपने साथ पाकिस्तान लेकर चली जाए। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी IPL में अपना जलवा बिखेरेंगे। साल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाने के बाद महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से IPL के बल्ले से दमखम दिखाने वाले हैं। IPL 2024 में भी चेन्नई की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी खेलते हुए नजर आएंगे। धोनी की कप्तानी में चेन्नई का टीम इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस तरह की गाइडलाइंस तैयार होने का मतलब ये होगा कि राज्यपालों की ओर से अभी जिस तरह से विवेकानुसार किसी विधेयक को मंजूर करने, खारिज करने या रोक रखने के अधिकारों का इस्तेमाल किया जाता है, उस पर अब लगाम लग सकता है। बिहार में शादी का सीजन शुरू होते ही विवाह समारोह की कई रोचक खबरें सामने आ रही हैं। इसी क्रम में प्रदेश भर में से एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां हेलीकॉप्टर से दूल्हा पहुंचा लेकिन लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली। इसके बाद दूल्हे ने आसमान में ही 7 फेरे लिए। मजदूरों के घर सकुशल वापसी के बाद अब राज्य सरकारें भी इस अभियान के सफल होने पर धामी सरकार व केंद्र सरकार को बधाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, श्रमिक व उनके परिजन भी PM मोदी और CM धामी को शानदार काम के लिए बेहतर प्रबंधन को लेकर बार बार धन्यवाद देते नजर आ रहे हैं। इससे साफ है कि श्रमिक वोट बैंक भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव में मजबूत वोट बैंक बनकर सामने आएगा। हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों में से 3 और लोग मारे गए हैं। हमास ने 7 बंधकों की रिहाई के साथ 3 बंधकों के शव भी इसराइल को देने के लिए भेजे हैं। हमास का दावा है कि तीनों बंधक इसराइली कार्रवाई में मारे गए थे। अफगानिस्तान फिर से भारत में अपना दूतावास खोलने जा रहा है। तालिबान सरकार में विदेश मामलों के उप मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान जल्द ही भारत में अपना दूतावास खोलेगा। बता दें कि भारत में मौजूद अफगान दूतावास
24 नवंबर को एक बयान जारी कर स्थायी रूप से दूतावास बंद करने का आधिकारिक ऐलान किया था। तो ये तो थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15।